हाय वेलकम टू ऑलराउंडर संघु। आज मैं आप लोगों के पास दिखाना चाह रही थी जो आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो एक मिक्स्ड सब्जी है जो बंगाली का बहुत फेमस डिश है। ये है पुई शाक। ठीक है, ये देखिए पुई शाक को हमने अलग से कट के धो रखी हूँ। यहाँ पे पुई शाक का जो डंठल है वो भी धो रखी हूँ। यहाँ पे सीताफल, यहाँ पे बैगन और ये है कटाई की सीट जो मैं ये चचड़ी में मतलब मिक्स्ड वेज में देने वाली हूँ। और ये सब में मैं आलू बिल्कुल नहीं डालूंगी। जो आलू छोड़ के भी मिक्स सब्जी बनता है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और ये आप लोग अगर ऐसा सब्जी से बनाएं तो ये वेज बन जाएगा। और इसमें मैं थोड़ा सा ये प्रॉन भी ऐड करूंगी, ये प्रॉन, तो इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो जो वेज है वो प्रॉन वहाँ पे यूज नहीं कीजिएगा, तो मैं इसमें प्रॉन यूज करूंगी। तो देखिए ये मिक्स्ड वेज मैं जल्दी से कैसे बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर बैठा दिया, प्रेशर कुकर गरम हो चुका है। यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल देंगे। देखिए हमने ये मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ। आप ये मस्टर्ड ऑयल कीजिए, मैं जैसे करूँगी आप भी ऐसा कीजिए। तो मस्टर्ड ऑयल से करने से ना इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। अब वाइट ऑयल से भी कर सकते हैं, सादा जो ऑयल होता है, मगर मैं मस्टर्ड ऑयल से करूँगी। इसमें आपने पाँच फोरन दे सकते हैं, मैंने इसमें जीरा दे रही हूँ। देखिए छौंक में मैंने जीरा डाल रही हूँ। जीरा डालने के बाद ना सबसे पहले आप वो दीजिएगा डंटल, मतलब आपको हमने बताया ये इसको हमने अलग करके रखा। अब पहले इसको फ्राई कर लीजिएगा ये ऑयल में। क्यों पता है, इसका ना थोड़ा सा स्लिपरी जो होता है, आप जब फ्राई कीजिएगा तो वो स्लिपरी हट जाता है। आप लोग कढ़ाई पे कर सकते हैं, मगर मैं प्रेशर कुकर इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। देखिए ये ऐसा थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। तो अभी इसमें हम ये जो सीताफल इसको हम दे देंगे, ये बैगन इसको भी दे देंगे, और ये कटाई की शीट जो है ये भी हम दे देंगे। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें हमने कोई भी मसाला नहीं दिया है ना, इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये जो प्रॉन है, प्रॉन को हम नमक और हल्दी से, इसको नमक और हल्दी लगा के रखेंगे। देखिए थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी, हल्दी नमक और हल्दी लगा के रखिए इसको। देखिए जल्दी से कैसे बनाइएगा, जल्दी में आप कैसे मिक्स्ड वेज खा सकते हैं। आप लोग, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप अगर उसमें प्रॉन दीजिएगा तो नॉन वेज बन जाएगा, प्रॉन नहीं दीजिएगा तो आपका वो वेज सब्जी बनेगा। तो आप प्रॉन दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो अभी ये सब्जी को मैंने मिक्स कर रही हूँ। देखिए ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अभी हम इसमें मसाला देंगे। मसाला में खाली तीन चीज आएगा, हल्दी, नमक और मिर्च, बस और कुछ भी नहीं देंगे हम इसमें, है ना। तो मैं देखिए एक चम्मच से भी कम, थोड़ा सा कम, क्योंकि ये मिक्स्ड वेज है कम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सा हमने नमक दे दिया, आधा चम्मच हल्दी दे दी, और एक चम्मच मिर्ची दे, अब ये दे दीजिए और इसे अच्छे से मिला लीजिए। अभी देखिए यहाँ पे जो प्रॉन रखे हूँ मैंने, तो ये प्रॉन आप फ्राई करके भी दे सकते हैं। मैं फ्राई नहीं करूँगी, इसमें ही डाल देंगे। देखिए
ये बहुत जल्दी हो जाता है। अभी इसे अच्छा से फिर मिक्स करेंगे। अच्छा से सब कुछ फ्राई हो चुका है, प्रॉन भी अच्छा से फ्राई हो चुका है। तो अभी हमने यहाँ पे ये जो पुई शक रखा गया है खाली पत्ता पत्ता, ये सारे इसमें डाल। और आप लोग को पता है मैं प्रेशर कुकर क्यों यूज़ करती हूँ, क्योंकि खाना बहुत जल्दी बन जाता है और आपका गैस जो है वो कम खर्चा होता है। तो मेरे जैसे आप लोग भी हर एक चीज़ प्रेशर में करने का कोशिश कीजिएगा, तो इसके लिए आपका बचवा होगा बहुत ज़्यादा, है ना। सारे पत्ता जितना भी है मैं सब इसमें दे दिया। और मसाला में खाली हल्दी, नमक और मिर्ची और कुछ भी नहीं। अभी इसको अच्छा से मिक्स कीजिए। देखिए ये सबको मिक्स कर लिया है, अभी इसको ढक्कन ऐसा लगाएंगे, मतलब पूरा प्रेशर कुकर बंद कीजिए, ऊपर से जस्ट बंद कर दीजिए जो इसका स्टीम अंदर में रहे, ठीक है। अभी ये स्टीम में बनते जाएगा, थोड़ा सा ढक्कन हटाइए, फिर हिलाते जाइए, फिर ढक्कन हटाइए, फिर हिलाते जाइए। जब इसका साग से पानी मर जाएगा और एकदम सूखा बन जाएगा तब आप सबको खिलाइए। तो देखिए मैं अभी इसका पानी का इंतजार कर रही हूँ, पानी सूखने वाले हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बना। तो लास्ट में थोड़ा सा आप लोग चीनी दे सकते हैं, मीठा दे सकते हैं, मगर मैं इसमें मीठा आलू कुछ भी नहीं दे रही हूँ। देखिए तो कितना जल्दी मेरा मिक्स सब्जी बन गया है ना। अभी थोड़े के बाद ये मिक्स सब्जी बन जाएंगे, फिर दिखाऊंगी। देखिए मेरा बन गया है यहाँ पे मिक्स्ड सब्जी, जिसमें मैंने प्रॉन देखे बनाई हूँ। आप लोग प्रॉन छोड़ के बनाइएगा तो वेज सब्जी बन जाएगा, मैंने इसमें प्रॉन दिया हूँ तो ये बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। मैंने क्या क्या डाली हूँ आप लोग देख लिया है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके तो बाय।